A very good morning to all of you. Today I'm going to start the third important topic of the renewable energy resources. इसके पहले we already have discussed two things. The first one कि energy क्या होती है, and second we discussed about the non-renewable energy resources. मैं एक बार फिर से आपको repeat कर दूँ. देखिए, renewable energy resources. इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने क्या पढ़ा? Traditional energy resources. डिफरेंस क्या है ये देख लीजिए. एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल. ठीक, रिन्यूएबल क्या है? जो दोबारा बार बार जनरेट किया जा सके, ऐसी चीज जो बार बार रिन्यू की जा सके, दैट इज कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. और नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं? जो बार बार जनरेट नहीं किए जा सकते हैं. तो आइए हम लोग देखते हैं. देखिए, सात तरीके के रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं. कितने तरीके होते हैं? सात तरीके के रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं. कौन कौन से? द फर्स्ट वन इज सोलर एनर्जी, सेकेंड वन इज जियोथर्मल, फिर मैग्नेटो हाइड्रो डायनेमिक्स, एंड आफ्टर दैट फ्यूल सेल विंड एनर्जी एंड ओटीसी, एंड लास्ट वन इज वेव एंड टाइडल एनर्जी. ठीक, अब देखिए हम लोग एक एक चीज को अच्छे से यहाँ पे देखेंगे. इसके पहले हम लोगों ने ये देखा कि एनर्जी क्या होती है, फिर हम लोगों ने देखा कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं. अब आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ, देखिए पहले कि हम लोग ये चीजों को डिस्कस करें, आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हम एनर्जी को जनरेट करके करना क्या चाह रहे हैं. समझ में आ रहा है ना? व्हाट वी वांट टू डू बाय जनरेटिंग दिस ऑल एनर्जी. हम सोलर एनर्जी से करना क्या चाह रहे हैं, जियो थर्मल एनर्जी हम लोग लेके क्या करना चाह रहे हैं. देखिए, सबसे पहले हमको बताइए, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे जरूरी कौन सी एनर्जी है? बताइए, सोच के बताइए. हम अगर एक इंडस्ट्री भी चलाते हैं तो उसके लिए वो कौन सी एनर्जी है जो बिना उसके नहीं चल सकती? हम अगर घर में रह रहे हैं तो बिना उसके हम नहीं रह सकते, वो कौन सी एनर्जी है? उस एनर्जी का नाम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी. कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. देखिए, हर एनर्जी को हमारा मीडियम क्या होता है? देखिए, हम एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करना है. तो अब आपको पता होगा कि अगर इलाहाबाद में हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, हमें उसको पहुंचाना है कानपुर में. इफ वी हैव टू डू दिस थिंग, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी ट्रांसफर करना पड़ेगा. और कोई भी मीडियम से अगर हम एनर्जी कन्वर्ट करते हैं तो उसमें लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं. हमारी सारी एनर्जी के क्या हो जाएंगे? लॉस ज्यादा होंगे. लेकिन एक लौती ऐसी एनर्जी जिसमें लॉस सबसे कम होता है, वो कौन सी एनर्जी होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इसीलिए ऑल ओवर इंडिया क्या प्रिफर किया जाता है? द पीपल प्रिफर टू जनरेट, या पीपल ट्राई टू कन्वर्ट ईच एंड एवरी एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए. तो अब आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, देखिए दुनिया में चाहे आप मैकेनिकल के हों, सिविल के हों, चाहे कोई भी ब्रांच के हों, आपके लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि बिना लाइट के ना आप घर में रह सकते हैं, बिना लाइट के ना आपकी इंडस्ट्री चल सकती है, बिना लाइट के ना ही आप पावर जनरेट कर सकते हैं. ठीक है ना? नहीं कर सकते ना. आपके पास एसी भी है, बट इफ यू डो नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देयर इन योर हाउस, यू आर अनएबल टू यूज दैट, नहीं यूज कर सकते. तो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सी ज्यादा जरूरी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इसके साथ फायदा यही है कि आप इसको एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत कम पावर लॉस के साथ इसको ट्रांसफर कर सकते हैं. आप जम्मू कश्मीर में एनएचपीसी से एनर्जी जनरेट करिए और भेज दीजिए उत्तराखंड में, आराम से भेज सकते हैं. आप जम्मू कश्मीर से जनरेट करिए, आप भेज सकते हैं पंजाब में. पावर लॉस क्या होगा? बहुत कम होगा. तो जब आप ये जान चुके हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो बात आती है कि जनरेट कैसे होगी. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है मैकेनिकल एनर्जी से. हमें याद रखिए, मैकेनिकल एनर्जी से ही क्या जनरेट हो पाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो पाती है. तो उसका मतलब जितने भी टाइप के रिसोर्स हैं हमारे पास, सबसे पहले हम उन सबको किस में कन्वर्ट करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी में. एक बार मैकेनिकल एनर्जी में हमको मिल गई कोई भी एनर्जी, तो हम उससे आराम से क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि कैसे एक मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है. तो आइए हम लोग देखते हैं एक वीडियो को. वो वीडियो शो करता है कि हाउ यू विल कन्वर्ट. सामने देखिए, ये मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, मैं आपको एक सेकंड में बता दूं. पहले तो मैंने आपसे फिर कहा, एक बार रिवाइज कर दूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे जनरेट की जा सकती है? मैकेनिकल एनर्जी से बनाई जा सकती है. कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और उसका तरीका क्या है ये देख लीजिए. आपको एक सामने दिख रहा है, ये एक शैफ्ट है, बीच में दिख रहा है ना, ये एक शैफ्ट है. इस शैफ्ट पे बने हैं ढेर सारे ब्लेड, ठीक है ना. और मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? जब एक शैफ्ट रोटेट करती है तो उसी को बोलते हैं कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं. याद रखिएगा, जैसे फैन होता है, फैन में क्या होता है? शैफ्ट रोटेट करता है ना. जब कभी भी शैफ्ट रोटेट करता है, दैट इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी. ठीक. तो अब यहाँ पे देखिए, सामने आपके एक पूरा वो दे रखा है, यहां से मान लीजिए पानी आ रहा है बहुत तेजी से,
वाटर आ रहा है, और वाटर जब आएगा बहुत तेजी से तो ये किस पे प्रेशर डालेगा, इन ब्लेड्स पे पड़ेगा। जब ब्लेड्स पे पड़ेगा तो ये ब्लेड क्या करेंगी, रोटेट करेंगी। जब ये रोटेट करेंगी तो ये शेप क्या होगा, रोटेट करेगा। देखिए कैसे रोटेट करेगा ये समझिए, आपके सामने ये बना हुआ है, ये देखिए जितनी तेजी से रोटेट करेगा। अब हमको मिल गया ये सामने, आप देख रहे हैं ना, आपको सामने दिख गया ये सामने शाफ्ट रोटेट कर रहा है। शाफ्ट रोटेशन का मतलब ही क्या होता है, मैकेनिकल। देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं इस वीडियो को, देखिए ये सामने बना हुआ है जनरेटर। एक बार आपको मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का दूसरा नाम क्या है, आपको एक रोटेटिंग शाफ्ट, शाफ्ट रोटेट करती हुई मिल गई, तो आपको बस क्या करना है, देखिए सामने शाफ्ट रोटेट कर रही है, आपको यूज करना है एक जनरेटर। और जो जनरेटर होता है वो काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। तो आपके सामने दिख रहा है ना ये, देखिए ये सामने कॉयल दिख रहा है, ये मान लीजिए सामने कॉयल जो है वो क्या है, ये है रोटेटिंग शैफ्ट। जब ये शैफ्ट रोटेट करता है किसी मैग्नेट के बीच में तो क्या होता है, थ्री फेज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ये काम होता है जनरेटर का, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप एक बात समझ गए कि हमें कुल मिला के करना क्या है, एक शैफ्ट है उसी शैफ्ट को रोटेट करना है। कैसे रोटेट करना है, चाहे इधर फैन लगा दीजिए चाहे कुछ कर दीजिए, ये शैफ्ट जैसे ही रोटेट होगी इस शैफ्ट के ऊपर क्या लगा दीजिए, मैग्नेट लगा। और जैसे ही किसी शैफ्ट पे आप मैग्नेट लगा देते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण थ्री फेज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। इसका मतलब हमें पूरे मैकेनिकल में, या पूरे के पूरे ब्रांच को छोड़ दीजिए, हम मैं अपनी एक मैकेनिकल की बात करता हूँ, मैकेनिकल में पूरे 4 साल सिर्फ एक चीज सिखाया जाता है कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम किसी शैफ्ट को क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर आप शैफ्ट रोटेट करा लिए तो उसका मतलब आपने क्या जनरेट कर लिया, थ्री फेज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली। अब एक बात बताइए, जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, एग्जैक्टली यही काम होता है। थर्मल पावर प्लांट में एक टरबाइन होती है, उस टरबाइन में क्या लगे रहते हैं, ब्लेड्स लगे रहते हैं। उन ब्लेड्स पे जब स्टीम बहुत तेजी से मारता है तो वो ब्लेड्स क्या करती हैं, रोटेट करती हैं। जब रोटेट करती है तो शैफ्ट रोटेट करता है, और इस शैफ्ट के आगे लगा रहता है जनरेटर, जनरेटर इन द सेंस मैग्नेट लगा है जिससे हमें क्या मिल जाता है, थ्री फेज इलेक्ट्रिसिटी। तो ये वर्किंग होता है एक थर्मल पावर प्लांट का। और ये बताइए अभी तो थर्मल है, इसी में स्टीम की बजाय आप क्या यूज कर लीजिए, आप वाटर यूज कर लीजिए। जैसे ही आप वाटर यूज कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको सीधे सीधे मिल जाएगा क्या, आपको मिल जाएगा हाइड्रो पावर प्लांट। तो अल्टीमेट गोल सभी के सभी प्लांट का क्या होता है, हाउ टू कन्वर्ट डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी। हाइड्रो पावर प्लांट में वाटर की एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है ना। वाटर और थर्मल पावर प्लांट में क्या किया, स्टीम की एनर्जी को किस में किया, मैकेनिकल एनर्जी में। ऐसे ही जो आईसी इंजन होता है, आईसी इंजन में क्या होता है, पेट्रोल और डीजल की केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी, पूरे वर्ल्ड में आज सारा विश्व इसी के पीछे पड़ा है कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम मैकेनिकल एनर्जी को पा सकते हैं। अब अगर आप पानी से चलाना चाहें तो आप पानी से चला सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू।